Hey guys, welcome back. कैसे हो यार आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा साउथ की टॉप 8 सस्पेंस मिस्ट्री मूवीज के बारे में, जो आखिर तक आपके दिमाग को उलझा कर रखेंगी। दोस्तों, सभी मूवीज के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रोजाना ऐसी धमाकेदार मूवीज मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8 पर आती है साल 2022 की क्राइम थ्रिलर मूवी कलान, जिसमें दोस्तों आपको निकिता, अनिल कुमार और कारू पलाइयापन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। कहानी की बात करें तो कहानी है एक वेलू नाम के आदमी की, जो शिकारियों के खानदान से ताल्लुक रखता है। वो पैसे कमाने की चुल में इलीगल बिजनेस अपनाता है। जब सरकार शिकार करने पर रोक लगा देती है, पैसों के लिए वेलू क्या क्या तरीके अपनाता है, ये आप मूवी में देखोगे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5/10। नंबर 7 पर आती है साल 2023 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी किसी का भाई किसी की जान, जिसमें दोस्तों आपको सलमान खान और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। कहानी की बात करें तो दोस्तों, घर के सबसे बड़े बेटे की शादी की उम्र निकल रही होती है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि शादी करने से घर की शांति भंग हो जाएगी। और उसके भाई उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बड़े भाई के कुंवारे होते हुए छोटों की शादी कैसे हो सकती है। तो इसी ड्रामा के साथ साथ कुछ एक्शन सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7/10। नंबर 6 पर आती है साल 2022 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी FIR। मूवी में दोस्तों आपको विष्णु, रेबा और रजिया वेल्सन जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की बात करें तो इरफान अहमद नाम के एक मुसलमान लड़के को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्या होता है, वो लड़का सबकी नजर में एक देशद्रोही बन जाता है, और वो खुद को बचाने के लिए क्या करेगा, ये आपको मूवी में देखना चाहिए। मूवी का क्लाइमेक्स दोस्तों आपको एकदम चौंका कर रख देगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9/10। नंबर 5 पर आती है साल 2021 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी काला, इसमें दोस्तों आपको टोविनो थॉमस और दिव्या पिलाई जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। कहानी की बात करते हैं तो एक बिगड़ा हुआ लड़का शाजी, जो कि अपने जमींदार बाप के लिए सरदर्द बन जाता है, जल्दी शाजी मुसीबत में पड़ जाता है, जब कुछ मजदूरों के समूह द्वारा किसी पुरानी बात को लेकर उसका सामना किया जाता है, और वो मजदूर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो शाजी सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेगा, क्या तरीका अपनाएगा, यही आप मूवी में देखेंगे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7/10। नंबर 4 पर आती है साल 2018 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी अमूथा। मूवी में दोस्तों आपको श्रिया श्री और लेविन सिमोन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। कहानी है अमूथा नाम की एक महिला की, जो कि एक हाउसवाइफ है, और एक दिन वो खुद को नींद से उठने के बाद हॉस्पिटल में पाती है, और उसे खुद नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। और एक पुलिस ऑफिसर नरेंद्र अमूथा के केस की पीछे की मिस्ट्री जानने की कोशिश करता है। तो क्या मिस्ट्री निकलकर सामने आती है दोस्तों, ये आप मूवी में देख लेना। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3/10। नंबर 3 पर आती है 2017 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी द हाउस नेक्स्ट डोर। मूवी में आपको अंद्रिया जेरेमिहा और सिद्धार्थ जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो दोस्तों, पहाड़ों में शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहे कृष्णाकांत और लक्ष्मी अपने पड़ोसियों डी कोस्टा का स्वागत करते हैं। जब उनकी बेटी जेनी कृष्णाकांत के घर पर जाती है, तो उसके साथ कुछ बुरी शक्तियां भी आ जाती हैं। तो आगे कहानी दोस्तों आपको मूवी में देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7/10। नंबर 2 पर आती है साल 2017 की एक साइंस फिक्शन मूवी रीसेट। मूवी में आपको यांग मी और वैलेंस हुओ जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाती है जिया नाम की एक लड़की। कहानी में मोड़ तो तब आता है जब उसके बेटे को कुछ किडनैपर्स द्वारा उसी के सामने किडनैप कर लिया जाता है और मार दिया जाता है, और जिया अपने बेटे को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करने लगती है। तो वो ये सब कैसे करती है, मूवी में आपको देखना चाहिए, जो आपको पसंद भी जरूर आएगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3/10। नंबर 1 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी दगड़ी चाल 2, जिसमें दोस्तों आपको पूजा सावंत और अंकुश चौधरी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो डैडी नाम के एक आदमी की जिंदगी जब खतरे में पड़ जाती है, तो वो अपने दोस्त सूर्या से मदद मांगता है। सूर्या पहले एक गुंडा था, पर अब सूर्या अपनी क्रिमिनल जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता, तो वो अपने दोस्त डैडी को मदद से इनकार कर देता है। उस आदमी की जिंदगी में किस चीज का खतरा है, और कैसे वो खुद को इससे बचा पाएगा, यही आपको मूवी में दिखाया गया है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6/10। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।